हेलो दोस्तों, जीवन ज्योति की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता से वैकेंसी का। ये सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यूनिट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2021। देखिए, ये परमानेंट पोस्ट के लिए लिया गया है। क्लोजिंग डेट है 15 अगस्त 2021। वैकेंसी कोड है J01। वैकेंसी कोड एंड नेम ऑफ द पोस्ट देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। एज 27। क्वालिफिकेशन है 12 स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टेनोग्राफी। पे लेवल है 4। अप्रोक्सीमेट आपका जो सैलरी आता है पर मंथ ग्रॉस सैलरी देखिए 38,000। नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी। और जॉब रिक्रूटमेंट क्या है देखिए, J01 जो कोड दिया गया है उसके हिसाब से प्रोवाइड सेक्रेटरियल और स्टेनोग्राफिक असिस्टेंट और टाइपिंग एंड अदर ऑफिशियल वर्क। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। वैकेंसी कोड A01, पहले था J01, अभी A01। देखिए, जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट जनरल पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। एज 28। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 12 पास, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एलोंग विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। पे लेवल है 2। ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेट 30,000 पर मंथ। और A02 कोड है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स। नंबर ऑफ पोस्ट है 3। एज लिमिट है 28। 12 पास है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी दोनों में से किसी भी एक। और अकाउंटेंसी के ऊपर आपका 12 में सब्जेक्ट होना चाहिए। पे लेवल है 2। ग्रॉस सैलरी आपका 30,000 पर मंथ आपका आएगा और कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। A03 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस। 3 पोस्ट है, एज लिमिट है 28। 12 पास है, सेम आपका क्राइटेरिया है, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स आपका 30,000 पर मंथ आएगा। वैकेंसी कोड A010203। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द असिस्टेंट इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टोर्स एंड परचेस और फाइनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देखिए, स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा। बेनिफिट्स अंडर द काउंसिल सर्विस DA दिया जाएगा, HRA, TA। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका परमानेंट आपका स्टाफ हो जाओगे, आप इसमें आपका बेनिफिट आ जाएगा। रिलैक्सेशन दिया गया है। एज लिमिट देखिए, द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन द एज लिमिट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी क्लोजिंग डेट प्रेस्क्राइब द रिसीट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15/8 से पहले, ठीक है ना। और अपर एज लिमिट हाई पर रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देयर विल बी नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फ्रॉम CSIR और दिस पोस्ट प्रोवाइड दे प्रोसेस द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। रिलैक्सेशन इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन और SC/ST का रिलैक्सेशन 5 साल, OBC के लिए 3 साल। एज रिलैक्सेशन पर्सन बेंच मार्क डिजेबिलिटी 10 साल, ठीक है ना। और 15 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए और 13 साल OBC कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट रिजर्व टू रिलैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल SC/ST कैंडिडेट सर्विसमैन मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन। कैंडिडेट को बेनिफिट आप ले सकते हो, SC/ST कैंडिडेट जो सर्विसमैन है उसके हिसाब से एज पर रूल उसको अपना सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली बिकम अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन ऑफ बेंच मार्क डिजेबिलिटी तो 40% आपका मोर देखिए PWD एक्ट के हिसाब से उसको ग्रांट किया जाएगा। स्पेशल एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स अप टू 40 इन केस द कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप। स्पेशल एज के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन किसके लिए होगा, विडो डिवोर्स वूमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड
हु आर नॉट रिमैरिड पर्सन क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अंडर द सब पैरा वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एविडेंस वन इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जनरल कंडीशन आपका डॉक्यूमेंट्स जो है उसके हिसाब से मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और वेबसाइट है www.cgcri.res.in। ये पोस्ट आपका कोलकाता के लिए डाउनलोड कॉल लेटर आपका अप्लाई करने के बाद जब कॉल लेटर आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देखिए पैन कार्ड जो आपका एग्ज़ाम के टाइम पे पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी बैंक पासबुक फोटोग्राफ ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। आधार कार्ड राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। गाइडलाइंस डिजेबिलिटी उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और देखिए हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे एनओसी चाहिए जो आप मतलब किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उसके एम्प्लॉयर से आपको एनओसी चाहिए वो इसको जमा करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन ही अप्लाई होगा आपका www.cgcri.res.in। किसी दूसरे मोड से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लास्ट डेट है 15 अगस्त और नेट बैंकिंग के द्वारा 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। सिविल का ST ST के लिए छूट दिया गया है। डॉक्यूमेंट देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन उसके बाद पेमेंट फीस डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड करना पड़ेगा। फोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर ब्लैक इंक से लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप स्कैन करके देना पड़ेगा। हैंड रिटन इधर पे दिया गया है फॉर्मेट उसको लिख के स्कैन करके जमा करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में लिखने से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका देना पड़ेगा। देखिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो है आई आपका नाम हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको जमा लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन देखिए अप्लाई ऑनलाइन पहले भी आपको बोल चुका हूँ उधर पे जाके आप क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपका करना पड़ेगा एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स जो है सब स्कैन का भी अपलोड करना पड़ेगा इसमें वही लिखा हुआ है मैं और डिटेल्स में नहीं आपको लेके जा रहा हूँ ठीक है ना। आप लोग एग्ज़ाम देते हो सब मालूम ही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये कोलकाता के खास करके कोलकाता के मेरे दोस्त के लिए है क्योंकि कोलकाता में जहाँ पर आदमी लोग रहते हो मेरा दोस्त लोग रहते हो वो लोगों के लिए बेनिफिट है क्योंकि आपका होम टाउन ही है। और बाहर में जो मेरा दोस्त लोग है वो लोग ही अप्लाई करें क्योंकि बहुत बढ़िया जगह है CSIR लैब है ठीक है। इसको हाथ से छूटने मत दीजिए अप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।